सामने ना बीच बीच में मिट्टी वाले पहाड़ आ रहे हैं, तो प्रभ कह रही है मेरा मिट्टी खाने को दिल हो रहा है। क्या दिन आ गए हैं प्रभ के। मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप सोचते होंगे मैं इसी कमरे में आके वीडियो को शुरू करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि सभी सो रहे होते हैं, तो यहाँ पे आवाज़ भी मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा बंद भी है और अलग सा है कमरा ना, तो इसलिए मैं इस कमरे में शुरू करता होता हूँ। और मैंने नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया, ये जादूगर पाशा बना हुआ हूँ। साडी गली आ जा सानू चौण वालिए, साडी गली आ जा सानू चौण वालिए। तैयार होने का रीज़न ये है कि आपने कल प्रभ के व्लॉग में 12 बजे देख लिया होगा कि हम ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिप पे जाने लगे हैं। और अगर साग वाली बात किसी को ऑफेंडेड लगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। साग पे जस्ट जोक चल रहा था, वो हमारे पंजाब में अक्सर लोग बातें करते ही हैं। और अभी मैं हो गया हूँ, मैं तो अभी से तैयार हो गया हूँ। अभी बज रहे हैं 6 बज गए हैं, 5 बजे उठा था तो मैं तो पूरा तैयार हो गया हूँ। पर अब उठेंगे वो अपना तैयार होंगे। मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक है। सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, एक घंटा हो गया। अच्छा, बज गए होंगे। हाँ जी हाँ जी, एक घंटा हो गया। अच्छा, जब मैं उठा आप उठ गए थे? कुछ ही टाइम। अच्छा, पैरों की हो गई, अब हाथ की करती हूँ। चलो करो करो, एक्सरसाइज ही सही करेगी आपको। और बाहर तो धुंध का मौसम है ही। बसंती कंबल लेके सो रही है मजे से, खाना पीना इसने खा लिया है। गुड मॉर्निंग प्रभ जी। ट्रिप बिगेंस। है ट्रिप पे जाना है यार, नोबिता भी साथ जा रहा है। नोबिता नंगू पंगू होके सोया हुआ तू है? इसके रात को हम कपड़े उतार देते हैं। नंगे नंगे चड्डी कहाँ है तेरी? पहनाओ इसको फिर। ये मम्मी कह रही है कि तू मैगी बना और मैं प्याज काट के जा रही हूँ तेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है जी, बना देते हैं। ये लालच भी दिया है कि नोबिता को मैं घुमा आती हूँ, मगर मैगी तू बनाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अगर नोबिता को आप घुमा रहे हो तो मैं बना देता हूँ। आरती दीदी हमारी देखो कंबल कुंबल ओढ़ के लगी हुई है यहाँ पे ब्लॉग का रिप्लाई करने। क्या कर रही हो, ब्लॉग रेडी कर रही हो? क्या कर रही हो? अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग रेंडर हो रहा है, यहाँ पे रिप्लाई हो रहा है। क्या बात है। गुड मॉर्निंग भूली वंस अगेन। तो बताइए कपड़े मेरे पे कैसे लग रहे हैं जो मैंने पहने हैं? चलिया चलिया चलिया, जादूगर पाशा नहीं लग रहा? देखते ही मेरा दिल खुश हो गया, इसके कपड़े आज इतने कलरफुल हैं। हाँ, जादूगर पाशा जाऊंगा भी ऐसे ही। टिंग 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 टिंग, मैगी के बदले सैर। टिंग 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 टिंग। और बहुत ज्यादा फोग है भाई। है मम्मी, ऐसा ठंडा मौसम आपको अच्छा लगता है कि गंदा लगता है ये बताओ? अच्छा लगता है। गर्मी तो मेरे को भी बेकार लगती है। इतनी ठंड में मेरे को जितनी मर्जी ठंड में को बर्फ के बीच में घुसा दो, मेरे को बहुत पसंद है। नहीं, मेरे को ठंडे पसंद है, गर्मी तो मेरे को दत्ती भर पसंद है। और तो ये है कि जो हाथ पैर में दर्द हो रही है इस टाइम, सोच रही हूँ कि गर्मी होती तो इतनी नहीं होती। नहीं, गर्मी में होती फिर भी होती, फिर और चिड़चिड़ापन अलग आता पसीने की वजह से। जाओ मम्मी, क्या कैसे लेके जा रहे हो आप इसको? पहले प्रभ उठ गई है, बेड से नीचे उतर गई है और सारी चादर चुदर सेट कर दी गई है। तो तैयार हो आज जाने के लिए? नहीं, अभी होंगी। मैगी खाओगे? नहीं। तो क्या खाओगे? है नमक वाले पराठे? यस। बनाओ खाओ फिर, किसने बोला? यस। देखना पैरों में भी वही। ये एक फीड का डब्बा मैंने तैयार कर लिया है, ये गाड़ी में ही रहा करेगा। हाँ जी ठीक है। नोबिता को ये डलवा के लेके जाएंगे? ये नोबिता को वैसे ब्लू वाला डलवाओ, मैचिंग उसकी मेरे साथ ब्लू की हो रही है। ओके, मैं भी ब्लू पहनना है। ब्लू ब्लू। और मम्मी घूम के आ गए हैं और इधर मैगी हमारी यहाँ तक पहुँच गई है। ये 3 लोगों की मैगी है और प्रभ अपने लिए बनाने लगी है चाय। सबके लिए? सबके लिए। हाँ, मैं तो पीता नहीं। हाँ, रोटी बना के नमक लगा के खा लेगी है ना।
रोटी और नमक खा के गुजारा किया है प्रभु ने, इतनी स्ट्रगल। अब रोटी और नमक अच्छा लगता है तो इसको स्ट्रगल का कौन बोलेगा भाई? स्ट्रगल कुछ नहीं होता भाई, अगर आदमी एंजॉय करे स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं। क्या बोलने वाले बोल देते हैं कि हमने रोटी नमक खा के गुजारा किया, इतना टेस्टी लगता है भाई, कितना स्वाद लगता है, उनको क्या पता है। मैगी बन के तैयार है, इसमें मैंने मक्खन भी डाल दिया है और इधर चाय उबल रही है। यहाँ पे मैगी खाने लगे हैं, नोबिता गोद में आके अपने आप बैठ जाता है तो बैठ गया है, और मम्मी खा रही है पतीले में ही, वो आदत छोड़ेगी नहीं, मम्मी उसी में खाएगी बर्तन कम हो। और उधर चल रहा है टीवी। क्यों तू लेके आया मेरे लिए बर्तन? दो बर्तन, वो बर्तन पड़ा तो था दूसरा, वो आरती का कुआं है, आरती ले आती अपनी। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे भी मैगी खाई जा रही है रोटियां गरम करके नमक डाल के घी डाल के खाने लगी है प्रभ। ये इनका स्टाइल है, ये प्रभ का स्टाइल है रे। अभी मम्मी और आरती जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आज उनको बुलाया हुआ है, 5 दिन लगातार जाना है ना, वैसे आगे 3 दिन छुट्टी आ रही है तो वो 3 दिन रह जाएंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे घर में। तो आरती घर में, तो ये जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं जाने की। अब नोबिता की मसाज हो रही है और सफाई हो रही है, इसके कानों में नाकों में बहुत गंदगी जमा हो जाती है, हर हफ्ते करनी पड़ती है। तो प्रभ करी, मैं भाई एक दिन छोड़ के कर देती थी, अब मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ। हाँ, तो अब इसका सफाई करके लेके जा रहे। मैं सोच रहा था बियर्ड कटवाने का, मगर पापा जी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मत कटवा। तो मैंने कहा चलो अब नहीं कटवाता। मैंने ऐसा नहीं है कि जब से मैं बियर्ड बना रहा हूँ बढ़ा ही रहा हूँ, उसके बीच में मैंने 2-3 बार कटवाया। जिस दिन मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है, हम चंडीगढ़ गए हैं, उस दिन मैं दाढ़ी कटवा के गया था, मगर मैं सेट करवा के गया था, ऐसा नहीं है कि पूरा कटवा के गया था। उधर से आरती भी आ गई है, ये देखो, हम तो चले गए, बाय। दो दिन के ट्रिप के लिए देखो कितना सामान हो गया है, ये सारा कुछ ही लेके जा रहे हैं हम। 2 पानी की बोतलें, 1 गर्म पानी की बोतल, गिलास, मूंगफलियाँ, संतरे, की चीकू, ट्राइपोड, बैग, मेरा प्रभ का बैग, जूतियाँ, नोबिता का बैग, हमारे ये बैग। मम्मी बता रही है कैसे बैठी मैं, क्या हुआ है, हॉस्पिटल से जाके आ गए थे, आपने देखा होगा आरती के ब्लॉग में, तो मैं अब गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अब इसको लेके नहीं जाना होता ना तो ये गाड़ी के आगे आगे जाएगा, अब इसको लेके जाना, यहाँ पे छुपा बैठा है, इसको इतनी आवाजें मार दी, जा नहीं रहा, आ जा, चल चलिए, आ जा, ये देखो नोबिता का क्या हाल है, इसको सैर करवानी थी, इसने की नहीं है, गाड़ी देख ली, अब इसको पता लगा, जा रहे हैं, बाय बाय, ख्याल रखना अपना है, बाय बाय बाय। अभी रास्ते में नोबिता को दवाई खिलाई जा रही है उल्टियों वाली, कहीं उल्टी ना आ जाए करके, खाना पीना तो खा रखा है इसने। और गाड़ी हमारी ऐसे पैक हो गई है जैसे हम पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। पहाड़ शुरू हो गए हैं अभी, वो फोग की वजह से वो सामने जो लेयर है पहाड़ों की वो दिख नहीं रही है, मगर पहाड़ शुरू हो गए हैं, हमें दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, कैमरे की आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, थोड़ा सा दिखाया मैंने जूम करके, बहुत ब्लर ब्लर से है, दूर दूर फोग है ना उस साइड, अभी फोग है वहाँ पे, पर पहाड़ शुरू हो गया, स्टार्टिंग सुंदर वाला रास्ता आ गया है ना, ट्रैफिक अभी भी है यहाँ, वो देखो हमारा नोबिता देखो यहाँ बैठा है, ये उतरा ही नहीं नीचे भाई साहब, ये मेरी गोद में ही है, कभी इधर को मुंडी कर लेता कभी इधर को मुंडी कर लेता, बस यही काम है इसका। कच्चक लवर्स, कच्चक कच कच कच। एक चीज मैंने देखी है, चाहे पॉपकॉर्न खा रहे हैं चाहे कुछ भी खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं अगर थोड़ा सा गिर जाए कहीं ना, हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। हाँ इतना सब कुछ पड़ा होगा पॉपकॉर्न ना, इतना थैला पड़ा होगा, मगर आदमी कहेगा नहीं जो नीचे गिर गया वो तो खानी है। इस बार पहाड़ों में प्रभ को गाड़ी नहीं दे रहा हूँ मैं, देख लो खुद चला रहे हैं। सामने ना बीच बीच में मिट्टी वाले पहाड़ आ रहे हैं, तो प्रभ कह रही है मेरा मिट्टी खाने को दिल हो रहा है। आर यू कॉमेडी मी? नो, सच में? पहले खाते थे कभी मिट्टी आप बचपन में? है नहीं। तो फिर मिट्टी खाने का क्यों दिल हो रहा है? पता नहीं, मिट्टी वो देखो मिट्टी पड़ी। तो दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं और हमारी गाड़ी हो रही है पार्क और नोबिता को करवा रहे हैं घूमी घूमी। नोबिता हमसे ज्यादा एक्साइटेड है घर में जाने के लिए, ऐसा कर रहा है जैसे इसका अपना घर होता है यहाँ पे। हाँ 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 नोबिता दी, हाँ नोबिता दी, है नोबिता अंदर, ये इसका बड़ा है बेड, ओके हो गया काम। ओह शिट, इतना सारा सामान।
पर तू मेरी जान लेनी है। रूम में पहुंच गए हैं, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, तो ज्यादा इतनी ड्राइव भी नहीं थी, है ना प्रभ? फ्रेश ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है अभी बिल्कुल ऐसे ज्यादा ट्रैवल नहीं। नोबिता की हरकतें देख लो, अगर ये होटल वाले ये व्लॉग ये वीडियो देख लेना वो कहेंगे इसने तो आतंक मचा रखा है। वो देखना टेबल पे चढ़ के बैठा है, कुर्सियों पे घूम रहा है, अलग ही मौज है तेरी, है ना नोबिता? अलग खुश हो गया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा पहाड़ों में घूमने आया है, खुशियां मना रहा है, चल रही है नोबिता की। और आपने सारा रजाइयां रुजाइयां खिलार भी दी। मैंने खिला रही हूं, अभी मारूंगी ना, अभी आप कूद रहे थे यहां पे। अच्छा, किसने बोला मैं कूद रहा था? आप ही कूद रहे थे, मैं तो शूज पहन के ऐसे ही बैठी हूँ तब से। और नोबिता का बैंड ये पड़ा, नोबिता के घूमने के लिए ना पूरी स्पेस है, और देख रहा है बाहर को कहाँ जाऊँ। नोबिता को नीचे सुलाकर ऊपर टेरिस पे आए हैं, तो अच्छा व्यू है यहाँ से होटल से, वो देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, मजेदार व्यू। और ये कुर्सी टेबल भी पड़े हैं खाने पीने के लिए, यहाँ पे आराम से बैठ के खा पी भी सकते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही भल लग रहा है। बहुत ही भल लगो। बहुत ही भल लगो। पेट कैसा है आपका? पेट ठीक है। ऑल गुड? ऑल गुड। तमीज गुड? तमीज गुड। बढ़िया लग रहा है इस झूले में बैठ के, सेम इसी तरह का झूला ना उनके पास भी है, शिंकोर के पास, तो उनके साथ हमारी रेगुलर बात होती रहती है। तो हमने उनको वीडियो कॉल की तो वो कह रहे हमने भी आना है, हमारा भी दिल कर रहा है। तो अब क्या करें भाई, हम ही आ सकते थे यहाँ पे, है ना जी? हाँ जी। उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं इतनी, और आगे के दिनों में हम भी बिजी होने वाले। इतने नोबिता उठ गया कि नहीं उठा है? तू उठ गया था, तेरे को निन्नी नहीं आई थी है? तू तो इतनी अच्छी निन्नी सो रहा था। उठा उठा हमारा बच्चा, चोली हम घूमने। पेंगुइन सा अभी हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने रास्ते में बरिस्ता देखा था, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पे भी खा पी सकते हैं, मगर हमने कहा पहले बरिस्ता चले जाते हैं। इनकी स्नैक्स की टाइमिंग है ब्रेकफास्ट 8 से 10:15, लंच 1 से 3:30, स्नैक्स 6 से 8:45, डिनर 8 से 10:30। अभी 4:15 हुए हैं, हमारे पास टाइम पड़ा है, हमने कहा थोड़ा घूम आते हैं बाहर, अभी पहला दिन है तो निकल जाएगा, नहीं तो हम 2 दिनों के लिए तो आए हैं, आज अगर हमने सो के निकाल लिया तो टाइम खराब हो जाएगा, रात सोने के लिए है ही, वैसे थके हैं नहीं। चलो आ जाओ। ये जो पीछे मिट्टी पड़ी है, प्रभ का दिल बहुत कर रहा है मिट्टी खाने का, तो मैंने कहा ये मिट्टी ना खा जाए इससे पहले कि इनको ले जाते हैं कुछ खिलाने पिलाने। ये देखो ट्रेन वाला रूट भी यहाँ से जा रहा है, हम गए हुए हैं ट्रेन पे, पहले कुफरी गए थे शिमला, है ना प्रभ? हाँ जी। तो ये देखो वो रास्ता, देखो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और ढूंढ रही है मिट्टी खाने के लिए, इतनी सी मिट्टी ढूंढी है इन्होंने, इस पे ना डॉगी ने सुसु किया होगा, पक्का पक्का डॉगी सुसु करके गया होगा इस पे, ये तो पत्थर टाइप ही है, मिट्टी भी नहीं है प्रॉपर। आ जाओ आ जाओ, वो देखो ये भी पत्थर लग रहा है, नहीं ये मिट्टी है, खाओ। ची दिखा ना, कुछ भी नहीं था, बस नहीं इतनी सी। हाँ प्रभ, पहाड़ों में आके मिट्टी खा रही है, देखना इसमें ना डॉग्स चलते हैं, सुसु करते हैं, पोटी करते हैं, और ऐसी भी मिट्टी तो मिट्टी होती है, हमारे डस्टर जो हम साफ करते हैं, आप मिट्टी खाने पे लगे हो। क्या दिन आ गए हैं प्रभु के, मिट्टी खानी पड़ी है। मुंह है ना बंदरी, और खानी है, टेस्टी है, हैं? इससे कुछ पथरी पथरी तो नहीं होती? इतनी से कुछ नहीं होगा, पहली बार खाई मैंने लाइफ में। लाइफ में पहली बार खाई है? मिट्टी खाने की क्रेविंग्स भी होती हैं क्या? मैंने कहा चलो खा लो, कहीं बच्चा आके मिट्टी ना मांगे। अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम ले लो, मिट्टी मत खाओ। सीधी सी बात नहीं, है। जनरली प्रेगनेंसी भी हो, वैसे भी नॉर्मली भी कई लोगों का चौक सिलेटी, मेरा नहीं करता खाने का दिल, मिट्टी खाने का दिल करता है कई लोगों का, करता है, बहुत सारे लोग खाते भी हैं वाला भी मिट्टी खा रहा है, ये देखो
द आर्ट ऑफ कॉफी, बस ऐसा ऐसा लिख के ना पहुंच के खुश हो एनिवर्सरी ट्रिप। वहाँ पे व्यू अच्छा है वैसे वहाँ बैठ के। अभी हम शर्त लगा के खेलने लगे हैं लूडो। कितने की लगानी है शर्त? पैसे की लगानी है या डेयर की? हैं? डेयर या पैसे? डेयर तो यहाँ पे क्या ही करेंगे, 10 रुपए की? 20 रुपए की? नहीं। 50 रुपए की चलते हैं। 50 रुपए की? नहीं, 500 रुपए की। 50 की? 500 की। 50 की? 500 की। चलो ठीक है, डन है 500 की। 500 की डन है, 500 की। देखते हैं कौन जीता 500 रुपए। चलो, पर हम बच्चों को कहेंगे ऐसा कभी मत खेलना, हम तो पति पत्नी है, हमारा पैसा एक दूसरे के पास ही रहता है। तो ये किसी को उत्साहित करने के लिए नहीं है कि लूडो में ऐसे कहीं पे भी पैसा लगाओ, वो गलत बात होती है। ये हम इंजॉय को, थ्रिल को और बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसे पूसे लगा के खेल रहे हैं। इनके पास जाए मेरे पास जाए एक ही बात है, पर फिर भी मज़ा आता है जीत के। तो शुरू हुई थी कि हमारा खाना आ गया है, ये हम जगह शिफ्ट कर फ्रॉम द आर्ट ऑफ कॉफी टू व्यू ऑफ कॉफी। ने आराम से फूड एंजॉय किया, उसके बीच में नहीं खेला। अब हम खेलने लगे दोबारा, तो देखते हैं कौन जीतेगा। आपको बता देंगे कौन पैसा जीत रहा है, ठीक है? ये सारी गोटियां अंदर जा चुकी हैं, मतलब घर पहुंचने वाली है। 500 रुपए पहले निकाल ली, अभी तो फिर भी बारी है, काहे की बारी रहेगी अब। आवाज सुनो, तालियां मारो, मुंह दिखाए जरा इधर हारा हुआ। पता क्या, मैं कई बार जान के हार जाता हूँ। एनिवर्सरी का ट्रिप है कि आपको अच्छा लगे। हम बेबी मून पे आए ना। हाँ, आप दोबारा खेले ना? क्यों? अब नहीं खेलूंगी, 500 जीते मैंने। अभी हम छत पे जाने लगे हैं, तो प्रब करिए, छत पे जाने से डर लग रहा है इनको। हाँ, मेरे अरे नहीं, टेढ़ा चढ़ना आप ना, थोड़ा इस एंगल पे ऐसे, मेरे को पता है ऐसे चढ़ते हैं। क्यों डर लगता है? कितना अच्छा लग रहा है, देखो हवा में हूँ, हवा में खड़ा हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ, मिट्टी खाते वक्त नहीं लग रहा था डर? आ जाओ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार। ये क्या है, ये वॉशरूम साइड लग रहा है। आ जाओ। वही कलर है जो हमारी टाइल्स का छत पे, मगर ये छोटे में है ना। हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट है। अच्छे लगते हैं ये कलर। हाँ। तो ये भी बड़ी अच्छी जगह है भाई, हमने ये देखी ही नहीं। ये फूल भी लगे हुए हैं, ये हर किसी ने रखा हुआ है छत पे, क्या चक्कर है इसका? कि अच्छा लगे। हाँ। अंडाकार हम भी रखेंगे। हाँ, हम भी रखेंगे। हाँ से अच्छा व्यू लग रहा है ये, देखिए लात पे लात रख के बैठ गई और मैं कह रही मेरी फोटोज खींचो, अगर मेरी एक भी गलत फोटो आई गई सारी ट्रिप में आपकी फोटो खराब खींचूंगी। मैंने इतनी सुंदर फोटोज खींची अभी और आपने मेरी क्या फोटोज खींची अभी। गंदी गंदी फोटो। सच में वैसे डरावना भी है ये, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, खाली खाली सा लग रहा है। फोटोज वीडियोस खींच लिए हैं। से गिर सकती हो आप। ओ घैचू घैचू, तेरे आने के जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। नोबिता कितना क्यूट है, जैसे हम इसे सोता हुआ छोड़ के गए थे ना, एग्जैक्ट उसी पोजीशन में सोया हुआ है। देखो अभी भी गहरी नींद में, इसको कुछ पता ही नहीं हम कहाँ घूम के भी आ गए। देखो पैसे संभाल रही है अपने। सबको बता दो कहाँ संभाल ले। हाँ, जैसे सब आके ले लेंगे आपसे।
शाम के 7:30 बज गए हैं और अब हम टीवी एंजॉय करने लगे हैं। हमने तो एंजॉय करना ना टाइम बाहर है, पूरा चिल मौसम, ठंडा मौसम, मजा आ रहा है देख के। टीवी पे लगा ली है मूवी और कर दिया है खाना ऑर्डर। प्रभु को भूख भी बहुत लगने लग गई है, स्नैक्स ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे मूंगफली खा रहा था और उधर से हमारे नूडल्स आ गए, यम्मी यम्मी। लाइए जी लाइए लाइए। नकल तो अच्छी लग रही है भाई, क्वांटिटी भी अच्छी है। ये हम कर रहे हैं नूडल एंजॉय, बहुत ज्यादा यम्मी है प्रभ, बहुत ज्यादा टेस्टी। प्रभ ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। और यहाँ पे हमारा आ गया है चिल्ली पटेटो, चिल्ली पटेटो, हनी चिल्ली पटेटो। वाओ, देखने में अच्छा लग रहा है, यम्मी है ना, पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी। बारी है चिल्ली पटेटो की, ये यम्मी यम्मी। नोबिता देख रहे हैं, मेरे को अलग कुछ नहीं मिलेगा, छोचू खा लिया आज फिर। फिनिश हो गया। तो आपको कैसा लगा फूड? बहुत स्वाद, मजा आ गया। यही होता कि फूड अच्छा मिल जाए, यही सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक ठीक हो गया है, होटल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, व्यू भी ठीक है और डिस्टेंस भी ठीक है, अब फूड ठीक होगा तो मजा आ जाएगा और फूड भी ठीक है। एक्सपेंसिव तो होते ही है होटल्स में खाने, मगर एक्सपेंसिव होने के बावजूद अगर अच्छा नहीं होता ना तो बहुत बुरा लगता है, दिल करता है कि यार पैसे बर्बाद हो गए ना, मगर खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब भाई नोबिता को सैर करवाने का टाइम हो गया है ना, नोबिता सैर करने जाना है ना। बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, दिन में तो लग रहा था कि चलो नॉर्मल ही है मौसम, मगर ठंड है बाहर। अब भी रेडी है, नाइट सूट में जाओगे और इसी बूटों में जाओगे है, देख लो चला जाएगा आपसे ना नोबिता। का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ऑल सेट, तैयार है, जैसे घर में होता है अपने, हर जगह फ्रेंडली हो जाता है ना ये। पूरा एक्साइटेड रहता है ना, बाहर आके ना एकदम खुश हो जाता है। डंडा तो लाया नहीं, गाड़ी वाला डंडा लेके जाते हैं। सामने बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट भी नहीं लगी हुई। ये थोड़ा ना हिल एरिया, मतलब गांव टाइप एरिया है ना, कोई साइड है ना, और डरावना भी लग रहा है। तुम्हें पता है पहाड़ों में भूत बहुत होते हैं, इधर अच्छा? को गाड़ी है, भूत होते हैं और क्या, हमारे उत्तराखंड में तो बहुत मशहूर है बातें, हिमाचल में भी होंगी, पर मैं तो खुद ही भूत के साथ आई हूँ। देखिए व्यू आप पहाड़ों का, और चांद भी पूरा है आज, बराबर काम। थक गया नोबिता घूम घूम के, मगर एक्साइटेड भी पूरा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, बड़ा हुआ है। इधर भी पूरा इंतजाम है पानी का, पियो सर पियो पानी। और लंगर की वो थोड़ी सी मटर मटर की सेवा करके आए हम। अच्छा कल है लंगर? हाँ जी हाँ कल है, कल पाठ है। तो घूम के आ गए हैं, छत पे बैठ के भी आ गए हैं, बातचीत की, गाने चलाए रोमांटिक रोमांटिक, और फिर बात बूत की, अच्छा सा टाइम स्पेंड करके हम नीचे आ गए हैं। तो ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, और आपको कैसा लग रहा है हमारा एनिवर्सरी का ट्रिप? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, अलग सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।